Okay. Very good morning to all. Welcome to On Academy YouTube session को जहाँ कि आप लोगों को जानने थी On Academy जहाँ कि India's largest learning platform रही थी. तो first और जब आप लोग मतलब YouTube माध्यम रे देखी पारु छोड़ दे तारे निश्चिंत हो बे गुटे दिन सब first जाने नहीं आंतु कि जब गोटे मिनिट ठीक है साउंड क्लियर अच्छी ना ठीक है देखी दोचो तने क्लास स्टार्ट कर लो ठीक है गोटे मिनिट ठीक है वेट करो लो लखनऊ हो या हैदराबाद ऑर्डर करें बिरयानी आज स्टार्टिंग एट 149 तो फाइनली यदि हमें देखिबा कि यदि आपन YouTube माध्यम रे मते देखु छंती त निश्चित आबे On Academy ऐप फर्स्ट प्रथम त डाउनलोड करनियंतु जहा कि On Academy ऐप यदि आपन डाउनलोड करू छंती ताहाले निश्चित आबे आपन लाइव क्लासेस जहा कि आपन मन कर रही छि 30 प्लस आवर लाइव सेशन या सहित सहित यदि आपन देखिबा कि प्लस सेशन को छाडला पर स्पेशल सेशन हला किबा आपनकर फ्री क्लासेस हला मॉन्क टेस्ट सीरीज हला ये सब फैसिलिटी जहाँ की On Academy तरफ आपन को प्रोवाइड कर दिया जाऊँ ठीक अच्छे निश्चित भाव प्रथम जब मतलब On Academy देख जब यूट्यूब देखुं तो प्रथम तो निश्चित भाव On Academy ऐप को डाउनलोड करनी ओके ताहले जब बैच कथा कहे न्यूली बैच जो स्टार्ट है जहाँ कि आप जानते हैं सिटी पीईडी बैच पाई कि जहाँ कि आप देखिपे स्क्रीन में कि लक्ष्मीधर सर ले कि जोगेश सर ले मैथ पाई कि भाग्यश्री मैडम हेले जहाँ कि जनरल अवेयरनेस पाई कि या सहित सहित जोगने सर आप इंग्लीश पाई एंड मुझे जनरल अवेयरनेस टॉपिक कवर करी जहाँ कि सिटी आउ बीड पाई बोथ हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ सहित सहित जब आम देखा कि सोशल साइंस टॉपिक यहाँ भितर कवर कर सिटी पाई जहाँ कि मुझे जनरल अवेयरनेस तीनों सब्जेक्ट को कम्प्लीट करी ठीक अच्छे जहाँकि नेक्स्ट मंथ 28 तारीख रो मोर बैच स्टार्ट हो एंड 14 डिसेंबर रु ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे सर मान बैच ओके एंड जदि देखा कि जब आप नाप चाहते चंदन लाइव कोड को आपन यूज करूछंती आपन इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मध्यम पाउछंती एई प्राइस ऊपर ए जो प्राइस अछि ए प्राइस ऊपर इंस्टेंटली डिस्काउंट पाउछंती 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर आउट 2 ईयर ऊपर चाहे कि आपन ए जो प्राइस पर रहि छि ए ऊपर 10% डिस्काउंट मध्यम पाइ परबे राइट तबे आपन किछि पेमेंट ऑप्शन चूज कर परबे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट ए सब माध्यम रे एंड मोर YouTube सेशन नौ छि नौ टरे प्लस सेशन नौ छि तीन टरे स्पेशल सेशन नौ छि जहा कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सहित तो आज जो हमें टॉप 10 सीरीज रखी छे या जेमति कि प्रति सब्जेक्ट वाले था आज दीटा सब्जेक्ट ऊपर जेमति कि पॉलिटिकल आउ हिस्ट्री ऊपर क्वेश्चन अछि तो ट्राई करबे आंसर दवा पई कमेंट माध्यम रे अदरवाइज टॉपिक जो अच्छी बुझे देखिए ट्राई कर फर्स्ट क्वेश्चन कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ए पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ताने जो आम रीड्स अच्छी आपंती जानते हैं आर्टिकल 32 जहाँ बी आर आंबेडकर मतलब सॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए था तो 5 नंबर ऑफ रीड्स आप जानते तो से रीड्स मानक भीतर यदि आम देखा हेवेस कार्पस मांडमस प्रोहिशन को वारंटो ये जो चारोटी देखी व्हिच ऑफ द पब्लिक रीड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन बिलीविंग टू बी होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस गोटे हिंट्स वर्ड हूँ जहाँ कि पब्लिक ऑफिस टू व्हिच ही इज नॉट एंटाइल्ड टू तमाने योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी को वारंटो ओके एंड एटी कही रखे जो आर्टिकल 32 को सॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहउ छथि हैवेस कार्पस जको टू हैव द बॉडी बोली कहो जाउ छी टू हैव द बॉडी जको हमें कौन कहउ छे
हेवेस कार्पस जमती को वारंट को हमें कौन कोई था बाय व्हाट वारंट बोली कोई था हेवेस कार्पस को जमती हमें टू हैव द बॉडी बोली कोई था मन रखिए हेवेस कार्पस अप्लाई था जब हमें कोई बा बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक जब हम को वारंट का क्वेश्चन रखिली पब्लिक ऑफिस पाई की बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक पाई की जब अप्लाई था यह हो जाए हेवेस कार्पस ओके एंड मैंडमस जहां अपन देखु चंती मैंडमस वी कमांड जो वी कमांड अछि वी कमांड मध्य ओनली पब्लिक भला मन रखबे जे हम कहू छी ओनली पब्लिक पाई हो छी वी कमांड एंड यह सहित सहित एटी आ गोटे की क्वेश्चन पचारी दिए कि वी कमांड जो अछि ओनली पब्लिक पाई की कोन आमे मैंडमस को गवर्नर आउ प्रेसिडेंट क्षेत्र रे यूज करि परबा कि नो बिल्कुल नहि केबे भी नहि गवर्नर आउ प्रेसिडेंट क्षेत्र रे आमे मैंडमस रिट्स केबे भी यूज करा जाई पारिबो नै गवर्नर आउ प्रेसिडेंट का ऑफिस पाई के ओके तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए पांचटी ऊपर खाली जे पांचटी पढ़े देले हबनी या केमति यार इंपोर्टेंस रहै छै क्वेश्चन केमति आसे ता जेमति मु कहि थाय आपन को देखि भी तले डिस्कशन करबी या मध्ये आपन को कहि रखिले ओके नेक्स्ट बा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहू छै द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट सिविल सर्विस कमीशन the chairman and the member of state civil service commission khali je civil service commission dekhibe ni state dekhibe state civil service commission are appointed by which of the following okay your right answer is governor kahin ki ei question karibar artha ho je ki apan tortore thanti ha civil service commission president mar diya sabu se kahu chi ki state civil service commission jo kahi chi nishan dhabe appointed by governor tahale governor of the state ताकि 153 आर्टिकल अंडर रहिछि तबे मोर 8 क्वेश्चन रहे कि जदी क्वेश्चन के चेंजेस करि आसिला कि द स्टेट सिविल सर्विस कमीशन को जदी गवर्नर अपॉइंट करूछि अंडर व्हिच पावर बा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जेंति हमें एग्जीक्यूटिव पावर जेंति हमें प्रेसिडेंट क्षेत्र रे देखिबा कि एग्जीक्यूटिव पावर हो लेजिस्लेटिव पावर हो कि मा अपन करो जुडिशियल पावर हो डिप्लोमेट पावर हो ये सब पावर जो अछि खार प्रेसिडेंट रो तो जदी केवल गवर्नर क्षेत्र रे देखिबा ए जो ग्रांट पार्डन ए जो जुडिशियल पावर ए सब न थाए भाई गोटे होची एक्सेप्शन इन केस ऑफ जदी हमें कंपेयर करबा काहा को प्रेसिडेंट आ गवर्नर सहित किंतु जदी हमें देखिबा एग्जीक्यूटिव जो पावर रहिची गवर्नर रो स्टेट पै थिला बेले प्रेसिडेंट रो जाकी सेंटर पै रहिताए बट जदी मु कहि रखु छी कि ए सिविल स्टेट सिविल सर्विस कमीशन को अपॉइंट करि थांती गवर्नर 153 आर्टिकल होची गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड क्वेश्चन रहला कि एग्जीक्यूटिव पावर अंडर रे जाकी अपॉइंट करितांती सेस्ट स्टेट सिविल सर्विस कमीशन को ताले ए एक्सटेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट जो अछि यह केउ आर्टिकल अंडर रे आसी थाए मन रखिबे इट इज 162 आर्टिकल होछि सेटा जहाक हम कोन कहिथाउ ना एक्सटेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट जाकी ना गवर्नर ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस रिगार्डिंग the civil caste commission not a civil supreme court is a civil caste commission the civil caste commission achi eha keu article adhar re ja ki constitute kara jaithe ba provision regard provision era byabostha raichi okay article 90 article 338 article 386 article 330 your right answer is article 338 okay and article 338 a jodi kahibi एट जदि सिटिल कास्ट पाइन रहै छी एट रहै छी निश्चित भाबे एसटी एंड 338 बी जदि ता पर देखिबा ए रहै छी ओबीसी तेनु अपन मन रखिया पाइन पड़िबा 338 आर्टिकल फॉर सिटिल कास्ट कमीशन ए हो छी सिटिल ट्राइब कमीशन देन नेक्स्ट वन इज ओबीसी बा अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन ओके ताहले एटी आ गोटे क्वेश्चन आसी थाए चाहे कि आर्टिकल 330 ऑप्शन डी आपन माने देखि परथबे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन थोड़ा रिपीट मध्य होता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट ओके रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी ओके एससी एंड एसटी पाई की जो रिजर्वेशन सीट था अंडर व्हिच आर्टिकल ना आर्टिकल 330 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहो छे ना एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ जो एडवोकेट जनरल नछंती अपन माने जानिथिबे एडवोकेट जनरल जहा के स्टेट रे अपॉइंट हेतान दिखे ना एडवोकेट जनरल जेंति की अपन जानिछन दिखे अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल
ଏଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆଜ୍ ଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଆମେ କହିଥାଉ କାହାକୁ ନା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କହିଥାଉ ଯାହାକି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲକୁ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଟର୍ ଜେନେରାଲ ଯିଏକି 148 ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ 76 ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥାଏ ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟେନିଓର କେତେ ଥାଏ 5 ଇୟର 6 ଇୟର ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋ ଫିକ୍ସ ଟେନିଓର ତ ୟୋର ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ନୋ ଫିକ୍ସ ଟେନିଓର ବା ଅପସନ୍ ଡି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ୍ ହିସାବରେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲ ଅଫିସର ହାଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଓକେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯାହାକି ଅଣ୍ଡର 165 ଅଣ୍ଡର 165 ଆର୍ଟିକଲ ଯାହାକି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଓକେ ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଥରିଟି ହାଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ଇନକମ୍ପେଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଓକେ ଯଦି ଇନକମ୍ପେଟେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଅନ୍ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନ ଆଣିପାରୁଥିବା ଅନ୍ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର 15 ଇୟର ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ 15 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଅଥରିଟି କିଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଚାରୋଟି ଅଛି ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ଦେଇ କହିବେ କି କେଉଁଟା ଯାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଯାହାକି ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥାଏ 315 ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ରହିଛି 315 ଆର୍ଟିକଲରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି 316 ଆର୍ଟିକଲ ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛେ କି ରିମୁଭ୍ ଏ ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଯାହାକି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ପଚାରିଲା ୟୋର ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ୍ 317 ଓକେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଯାହାକି 315 ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ ସବୁ ଦଉଛେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛେ ଆଣ୍ଡ 316 ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 317 ହେଉଛି ରିମୁଭାଲ ଆଣ୍ଡ 320 ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନର ଫଙ୍କସନକୁ ନେଇକି ଏଇ ଚାରୋଟି ଆର୍ଟିକଲ ମନେ ରଖ 315 316 ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ 317 ରିମୁଭାଲ 320 ହେଉଛି ଯାହାକି ଫଙ୍କସନ ତାହେଲେ ଯୋଉ 317 ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିମୁଭାଲ କରାଯାଇଥାଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ 15 ଇୟର ସର୍ଭିସ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ରିମୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ହୋମ୍ ଆଫେୟାର ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯାହା ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆଇଏଏସ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସାଲାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଓକେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ମିନ୍ସ ଜଣେ କାମ କରୁଛି କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ତେଣୁ ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବହନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଅଦରୱାଇଜ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଏ ତିନୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିକେ ଆମର 5 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ସିରିଜ୍ରେ ପଲିଟିରୁ ଆଣ୍ଡ 5 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଓକେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଶିବାଜୀ ଶିବାଜୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିନଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୌଦ ସର୍ଦ୍ଦେଶମୁଖୀ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଫେମସ୍ କିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଜିଅନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆକବର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିବାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହା ସହିତ ଯିବେ ଯାହା ହେଉଛି ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା ଏଇସବୁକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର କରିବେ ଏମାନେ କେବେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେଉଁମାନେ କି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ରିଲିଜିୟସ୍କୁ ନେଇ ତ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏମାନେ କେବେ ବି ରଖିନଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଏଇ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାରରୁ ଗୋଟେ କିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର ଆଣ୍ଡ ଏପଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିନଥିଲେ କ'ଣ ନା ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଛାଡ଼ ଥିଲା ଓକେ ତାହେଲେ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି
तबे आमे जे पाबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग संत वसंत रोट श्रीभाष्य श्रीभाष्य जो अछि ओके जाकी श्रीभाष्य द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग संत बा रोट श्रीभाष्य तुकाराम ओके पांडुरंग जाकी आपने जानिथिबे जाकी प्रार्थना समाज पाई की बहुत ही फेमस ओके एंड रामानुजम वल्लभ तुकाराम एंड एकनाथ ये जो संत अछन्ति श्रीभाष्य के लिखिछन्ति श्रीभाष्य रचना किए करछन्ति सबुले लिटरेचर को नै क्वेश्चन आसी थाय अपन मेडिवल इंडिया रो गुप्त एम्पायर पीरियड पाकर एंशिएंट इंडिया रो कहंतु कि मेडिवल रो मुगल एम्पायर कहंतु कि ए जो पीरियड अछि अपन को नेशनल मूवमेंट जो रहिछि कोथ ना रिलीजियस मूवमेंट जो रहिछि 19th सेंचुरी रो सेही पीरियड रो कथा ये जे कि रामानुजम वल्लभ तुकाराम एंड एकनाथ श्रीभाष्य लिखिछन्ति एकनाथ ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर तबे नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोचे हु वाज द मोनार्क्स ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वेरी इंपोर्टेंट तो ये क्वेश्चन कोन कोचे ना 58 जो एक्ट थिला यदि मु कहबी कि प्रथम यदि आसला कि पिट्स एक्ट ओके ये जो पिट्स एक्ट थिला ए पिट्स एक्ट जहा कि हमें कहि परबा यह प्रति 20 वर्ष रे आसे थाय पिट्स एक्ट ए पिट्स एक्ट होची इनडायरेक्ट गवर्नमेंट बोली कहि परबा कहारो ना ब्रिटिश क्राउन जहा कि इनडायरेक्ट गवर्नमेंट बा अल्टीमेट रूलर बोली कहि परबा हमें कहा को ना ब्रिटिश क्राउन को काहे कि ना जो ब्रिटिश क्राउन थिले तांको अंडर रे रहतले कि ना डायरेक्टर कोड ऑफ कंट्रोल जो थाय रहतले तांको अंडर रे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ रु देन रहतले इंडिया रो पिजांट पा हमें कहि परबा फार्मर तांको टैक्स कलेक्शन अंतरे दुटी स्टेज हिसाब रे जाउतला फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी देन टू ब्रिटिश क्राउन तो ए जो पिट्स इंडिया एक्ट हला यहा को पास करा जायता है कोठी ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ओके ब्रिटिश पार्लियामेंट रे यहा को पास करा जायता है जाउ जे अपन कर पिट्स इंडिया एक्ट तो एही पिट्स इंडिया एक्ट जाके प्रति 20 वर्ष रे रेगुलर बेसिस रे जाके चालितला जोटी की 1857 जो पीरियड थिला जो पीरियड होची आपण जानिथिबे रिवोल्ट ओके सबटा जो बडो रिवोल्ट थिला जो सिपाही विद्रोह थिला 1857 जो 1857 रे जो रिवोल्ट रहिची आपण माने निश्चित भाबे जानिथिबे कि 1857 सिपाही विद्रोह सबटा भयावह थिला एंड जो विद्रोह को सबटा जदि आमे कहिबा डरी जाइथिले कि ना ब्रिटिश माने से होची 1857 तो एहा परे परे ए जो मछरे जो थिला आपणकर कोन ना जाकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहा को हटे दिया जाय डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन सहित जाकी इंडिया जेमति कि हम कहि परबा गवर्नर जनरल को हटे दिया जाय रखाय थला कोन ना वाइस रॉय बा डायरेक्टली वाइस रॉय सहित बा रहिकरी जाकी शासन परिचालित करा गला तबे एही समय से कहूची जो एक्ट 1858 आसिला जो थरे कि पिट्स इंडिया एक्ट हटी गला तो एही समय रे जो बिल पास करा जतलो ब्रिटिश क्राउन यदि कहबा ब्रिटिश गवर्नमेंट बा ब्रिटिश क्राउन हिसाब रे हेड किए थिले क्वीन विक्टोरिया बा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर विक्टोरिया ओके तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारु छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली नेहरू रिपोर्ट 14 पॉइंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कम्युनल अवार्ड तो ये जो कम्युनल अवार्ड अछि 1932 या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओके 1931 14 पॉइंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना ओके एंड नेहरू रिपोर्ट यदि हमें देखिबा एही आधार रे ऑप्शन ए होची जाकि नॉट करेक्टली मैच नेहरू रिपोर्ट बा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जाकि 29 वे जता गोटे वर्ष पर यदि हम देखिबा नेहरू रिपोर्ट थिला एंड जो 14 पॉइंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना थिला जाकि 1929 रहिछि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 रहिछि एंड कम्युनल अवार्ड मध्य जाकि 32 रहिछि या को एते म डिस्क्रिप्शन देई परुने काहिना टाइम शॉर्ट भितरे मतलब अदरवाइज बहुत ही कम्युनल अवार्ड को नै के जाकि हीरोइन पैक्ट जो थिला ओके एंड सॉरी पुना पैक्ट जो थिला अंबेडकर आउ महात्मा गांधी का भीतर या केमिति कम्युनल अवार्ड को रिलेट करी था एरोडा जेल रे थान दी के महात्मा गांधी फास्टिंग ये सब लोग बहुत स्टोरी रही एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहबा कि इंडियन माने प्रथम समकक्ष भाबे बसिया पई सक्षम हेतले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे फास्टली एंड सेकंड राउंड टेबल रे के जोगो देथिले आउ कहार रिजेक्शन बा आईएनसी रो रिजेक्शन पई कि ही
सेकेंड राउंड टेबुल कौन से राउंड टेबुल कन्फरेन्स जहाँकि सफल हो नाला बहुत स्टोरी अच्छी एंड 14 पॉइंट मोहम्मद अलीजी ना कौन थी डिस्क्रिप्शन एंड मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट नट जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल रिपोर्ट कौन थी डिस्क्रिप्शन रही बट सर्ट क्लास हिसाब से निश्चित भाव मन रखु दिस इज नेहरू रिपोर्ट 1929 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु स्टार्टेड द लास्ट क्वेश्चन आज कि हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो रही इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଏହି ହିସାବରେ ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିନେବେ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ କହି ରଖୁଛି ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ଲସ୍ରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଇ ଅଠେଇଶରୁ ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶରୁ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି हिस्ट्री एंड पॉलिटी तीनों टॉपिक उपर क्लास रदि आप प्लस नापी चाहते चंदन लाइव ये कोड डायरेक्टली यूज करेंगे एंड मत अदरवाइज कंटाक्ट करें 8249414425 द्वारा कम्प्लीट टॉपिक कवर करवा कारण डिस्क्रिप्शन एथिरे कम दे होची जस्ट 20 मिनिट क्लास पाई तेणु ସେଥିରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସହିତ ଫିଗର ସହିତ ଇୟର ସହିତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ କରିନେବା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ ଲେଭେଲର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଓକେ ଯାହାକି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ମି ଓଭର ଦିସ୍ ନମ୍ବର 8249414425 ଓକେ ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ